हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों का यूट्यूब चैनल एडमिन एडो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं भंवर धारा तथा भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। ये दो टॉपिक, इन दोनों टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भंवर धारा क्या होता है और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील धातु की मोटी प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि भंवर धाराओं के अनुप्रयोग क्या हैं, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि भंवर धाराओं के निम्न अनुप्रयोग हैं। नंबर वन, प्रेरण भट्टी। इस भट्टी में गर्म की जाने वाली धातु को तीव्र गति से परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में क्रूसिबल में रख दिया जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न किया जाता है। परिणाम स्वरूप धातु में उत्पन्न भंवर धाराओं से धातु बहुत गर्म हो जाती है तथा पिघल जाती है। और इसका दूसरा अनुप्रयोग है विद्युत रेलगाड़ी के ब्रेक में। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं उनके ब्रेक में भी इन्हीं भंवर धाराओं का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि घूर्णित ड्रम पर तीव्र अचल चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ड्रम में प्रेरित भंवर धाराओं के कारण ड्रम एक बलाघूर्ण यानी कि ड्रम पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो ड्रम की गति को रोकता है। इस विधि से ही विद्युत रेलगाड़ियों को रोका जाता है। भंवर धाराओं के अन्य अनुप्रयोग में आता है अवमंदन में और प्रेरणी मोटर में। अर्थात अवमंदन में तथा प्रेरणी मोटरों में भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।